दोस्तों आज की कहानी है। ननन जी आप मायके आके मेरे झुमको पर नजर क्यों रखती हो? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे वाह बबीता, तुमने तो बहुत सुंदर और इतनी मोटी सैन पहनी है, दूर से ही समक रही है, लग रही हो किसी खाते पीते घर की बेटी। तुम्हें यहाँ आते वक्त पड़ोसियों ने देखा कि नहीं? सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, देखना कल तुम्हारे जाने के बाद कमला की माँ मुझसे जरूर पूछेगी कि बबीता की माँ आपकी बेटी तो सोने में लदी हुई रहती है, किस्मत हो तो आपकी बेटी जैसा। कामिनी जी अपनी बेटी बबीता से कहती है। बबीता बोली, माँ खाते पीते घर की बेटी नहीं, खाते पीते घर की बहू बोलो। ये सैन तो मेरी सास का था जो अब मैंने ले लिया। इस उम्र में इतनी मोटी सैन पहन कर क्या करेगी? एक रोज मैंने उन्हें कहा कि मम्मी जी इतनी मोटी सैन पहनकर अलग घर से बाहर निकलेगी तो कोई सैन के शक्कर में गला काट देगा। बस फिर क्या था, डर के मारे बुढ़िया ने तुरंत सैन मुझे दे दिया। मायके से तो मुझे हल्के जेवर मिले थे। हाँ एक अच्छा काम आपने किया कि इकलौते लड़के से मेरी शादी करवा दीवा। ना तो ननन की लालच से ना देवरानी का झंझटे। इतना कहकर माँ बेटी दोनों हंसने लगी। तभी वह बबीता की भाभी न्यास आई और नाश्ता लेकर आई। लीजिए दीदी आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है तो गर्मा गर्म शाही पीजिए और पकोड़े खाइए। तभी बबीता की नज़र निया के झुमकों पर पड़ी। बबीता लाल सही नज़रों से उसे देखी और बोली, भाभी इतने भारी झुमके पहनोगी तो कान कट जाएगा। ये झुमका मुझे देखा हुआ लग रहा है, हो ना हो ये झुमका माँ ने ही आपको दिए होंगे, आपके मायके से तो मिले नहीं होंगे। निया मुस्कुराकर बोली, सही पहचाना आपने दीदी, आपकी नज़र तो बड़ी तेज है। जब मम्मी जी मुझे पहली बार देखने आई थी तब उन्होंने मुझे ये तीन मंजिला झुमका दिया था। मुझे याद है सबने इस झुमके की बहुत तारीफ की थी। सोड़िए उन बातों को, कल सोमवार व्रत की थी तो मैंने सोचा बहुत दिनों से ये झुमका पहनी नहीं हूँ तो पहन लेती हूँ, मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर निया चली गई। निया के जाते ही बबीता बोली, मम्मी मुझे तो कभी इतना भारी झुमका नहीं दिया आपने जानबूझकर। अपना भारी जेवर अपनी बहू को दे दिया ताकि आपके घर में ही रहे। बस सबके सामने बेटी बेटी करती हो पर जब देने की बारी आती है तो बहू को देती हो। कामिनी जी बोली, बेटा तुम भूल गई क्या, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी भाभी इस घर में आई थी और ये जेवर तो बहुत पुराने हैं, उस समय फैशन में नहीं थे तो मैंने उसे मुंह दिखाई में दे दिए और तुम्हारे ससुराल से तो तुम्हें इतने नए गहने मिले हैं, उसके सामने ये झुमका क्या है? बबीता बोली, माँ आपको पता है आजकल पुराने गहनों का ही सलन है, सारे पुराने डिजाइन ही आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। मेरे पास तो एक भी तीन मंजिला झुमका नहीं है, अभी तो आपके दामाद का कारोबार भी मंदा चल रहा है, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? अब मन की इच्छा मायके में नहीं पूरी होगी तो मन में ही रह जाएगी। बबीता रात में थोड़ा कम खाकर अपनी माँ को अपने दुख का एहसास दिलाई और चुपचाप सोने चली गई। एक दो दिन वह गुमसुम रही। फिर भाई दूज का त्योहार आ रहा था तो निया मानव पति से बोली, भाई दूज का त्योहार आ रहा, आपने बबीता जी के लिए कुछ उपहार सोचा है? मानव बोला, पिछले साल उसे माइक्रोवेव दिया था, अब हर बार इतने महंगे उपहार नहीं दे सकते, तुम कोई अच्छी सी साड़ी उसे दे दो। निया हंसकर बोली, अरे ये क्या बात हुई, आप मुझ पर ये सब क्यों छोड़ते?
है, मैं कितना भी अच्छा करूं पर रहूंगी तो आखिर भाभी माँ ना बोले, सोचने वाले और सहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है, बबीता का मन कभी भी किसी चीज से भरता ही नहीं है, जितना उसके पास है उसमें वह कभी खुश रहती ही नहीं और पाने के साथ उसकी बढ़ती ही जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, निया से रहा नहीं गया तो उसने साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर कामिनी जी को दिखाई। कामिनी जी बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी अब ये सब तो तुम लोग ही देखते हो तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ऐसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है और हर साल भाई दूज आता है तो कितने गहने उपहार में दोगी। देखते ही देखते भाई दूज का त्योहार आ गया। निया ने बबीता को उपहार भेंट दिया। बबीता सबके सामने उपहार खोली और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने के झुमके पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती, यही है आपका प्रेम। कामिनी जी बोली, बेटा आप जो भाभी दे रही हैं ले लो, मेरा तो समझ रहा नहीं कि मैं तुम्हें बार बार सोने के जेवर दूँ। वैसे भी औरतों के लिए सोने का जेवर जितना महत्व रखता उतने ही उसके पैर में चांदी की पायल शोभा देती हैं, और हमारे घर में सोने की पायल पैरों में नहीं पहनते, क्या ये बात तुम जानती नहीं हो। बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, मेरे भाई ने भी नहीं सोचा कि अपनी बहन को कुछ अच्छा उपहार दे। ठीक है अगर सोने की पायल नहीं दे सकती थी तो अपने झुमके ही दे देती, ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं है। निया बोली, ननन रानी ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ आपका है, ना ननन ना कोई देवरानी, फिर अब मेरे गहनों पर आपकी नजर है। सही कहा था किसी ने, जिसके पास जितना होता है उसे और पाने की साया तो हो जाती है। मैंने तो कभी आपकी माँ आपके भाई से ये नहीं कहा कि बबीता जी के पास इतना पैसा इतना जेवर है, मुझे भी सही है, मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ सब कुछ ले लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे, वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही सौंप दिया। माँ आपने ये नहीं सोचे कि अगर मुझे कुछ देना हो तो भैया और भाभी के सामने आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी और का मुँह तो नहीं ताकना पड़ता। निया बोली, दीदी अब ये झुमके तो मैं आपको दे नहीं सकती क्योंकि ये झुमके मेरी सास ने मेरी पहली मुंह दिखाई पर दी थी, तो मेरे लिए ये बहुत अनमोल है। हाँ अगले भाई दूज पर आपके लिए कोई सुंदर सा तोहफा जरूर रखूंगी। इतना कहकर निया वहां से चली गई। बबीता बोली, देखा माँ आप कहती वो आपकी बहुत समझदार है, अरे आपकी बहू बहुत सालाग्य, देखा कैसे ननन को हल्का उपहार देकर कैसे निकल गई। कामिनी जी बोली, बेटा अब मेरे हाथ भी बंधे हुए, तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है, अगर मैं उनका विरोध करूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं, अगर ये नाराज हो गए तो सोच लो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। बबीता थोड़ा रुकी फिर बोली, माँ आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहोगी तो मेरी सास क्या कहेगी, फिर मैं अकेली जान क्या क्या संभाल लूंगी, आप तो मेरी हालत जानती ही है। अगले ही दिन बबीता जाने की जिद करने लगी। कामिनी जी बोली, बेटा हर बार भाई दूज पर जब भी तुम आती थी कम से कम एक महीना रुकती थी, इस बार क्या हो गया जो एक हफ्ते में ही जा रही हो। बबीता बोली, माँ पहले की बात अलग थी, भाई दूज
के पहले या बाद में आप या भैया मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते थे तो उसमें मेरा वक्त निकल जाता था, पर अब वह बात नहीं रही। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, सोचती हूँ वापस अपने घर चले जाओ। आखिर वहाँ भी तो सब कुछ मुझे ही संभालना है। इतना कहकर बबीता अपने समाज समेत में लगी और कामिनी जी कमरे से बाहर चली गई। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी तो निया बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? जब उन्होंने सारी बात बताई तो निया बोली, मम्मी जी औरत का जेवर उसका पति उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेगी तो मैं वह झुमके दीदी को दे देती हूँ, आपसे बढ़कर ये झुमके नहीं है। कामिनी जी बोली, बहू कौन कहता है कि पैसे वाले घर की ही लड़कियां संस्कारी और समझदार होती हैं। मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीजों पर ही उसकी नजर रहती है। तुम्हारे ससुर जी ने बहुत सोच समझकर तुम्हें सुना था, वह कहते थे जिस घर में पैसा कम हो और संस्कार की बारिश हो वहाँ की बेटियां सितारों जैसी समक और अपना दिल रखती हैं। अगर मैंने बबीता के कारण तुम्हारे दिल को कभी दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। वो अभी ना समझे, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस रोज बेटी की माँ या तुम्हारे जैसी बहू आएगी तब उसे समझ में आएगा कि यहाँ पैसा और जेवर से बड़े रिश्ते होते हैं। कामिनी जी के मना करने के बाद भी निया ने बबीता के जाने से पहले बिल्कुल वैसे झुमके खरीद कर लाई और जाने वक्त बबीता को देते हुए बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरे की चीजों पर नजर रखता है और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठता है क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरे की चीजों पर रहता है, फिर वो अपनी चीजों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी आप यहाँ से नाराज होकर जाए। हाँ बस इतना कहूंगी कि चीजों से ज्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि ये जेवर। कामिनी जी ने बड़े प्यार से अपने बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वह मायके से जेवर तो ले ली पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, वह कुछ कहती उससे पहले ही कामिनी जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती हूँ क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देरी से होता। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नजर रखी जिसके कारण उसके मायके से दूरियां बन गई, पर धीरे धीरे समय बीता उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीजों में निया को कामिनी जी और मानव का भरोसा और साथ मिला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था।